आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या? तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रही हो? तुम कहाँ से आ गई हो? अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब तुमने मुझे परेशान किया ना, अभी मैं तुम्हें उड़ा देती हूँ रेड हिट से, वो भी। अब तुम बचोगे नहीं। रुक जाओ, अभी अभी मैं तुम्हें मारती हूँ। गुड मॉर्निंग। राम राम भाई। सारिया ने 4 बजे उठ गए हैं। अब देखो आगे आगे करते क्या है। क्या ये एलोवेरा जूस है? एलोवेरा और आंवले का और जौ का, इसको पियेंगे। बाबा रामदेव का है। मॉर्निंग, ये मॉर्निंग ड्रिंक है मेरा और इसी से मेरी शुरुआत होती है। फिर ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करके फिर आ गए गार्डन पे, वर्कआउट करना है, फिर पानी पी के, आपको पता है चैलेंज में पानी है तो पूरा दिन पानी पीना है। उसके बाद बस स्ट्रेचिंग करनी है बॉडी की, थोड़ा सा तुरंत ही एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर देनी है। 40 मिनट का वर्कआउट करेंगे और उसके बाद देखो क्या क्या करते हैं। सूर्य नमस्कार किया पहले, फिर एक दिन मुझे 75 सूर्य नमस्कार भी करने हैं। मतलब वन टाइम में 40 मिनट में ओनली 75 सूर्य नमस्कार। ये भी चैलेंज का पार्ट होना चाहिए। वैसे मैं कब से सोच रही हूँ बट करना है मुझे। ये ससाकासन है जो मैं अभी कर रही हूँ ना, ससाकासन। ससा क्या ने खरगोश होता है। ये मंडूक आसन है, मंडूक। बाबा रामदेव बोलते हैं इससे पेट गायब हो जाता है। गायब? आपको भी पेट गायब करना तो ये कर सकते हैं। फिर नाउ मेडिटेशन। अनुलोम विलोम। तो आज प्रैक्टिकल की बारी है। कल मैंने बुक के बारे में बताया था, आओ प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्यूआर कोड आपके सामने दिखाऊंगी कि कैसे खुलता है, कैसे करना है। और आओ फिर देखते हैं, आइए स्कैन करते हैं। तो स्कैन करने में ये गूगल लेंस है, ये जो दिख रहा है कैमरे की तरह, इस पे क्लिक करेंगे और देखते हैं कितना टाइम लगता है। तुरंत ये लिंक आया है, इस लिंक पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये लखन सर पढ़ा रहे हैं और मैंने पढ़ के देखा, काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं। एक एक चीज बहुत बारीकी से बता रहे हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लखन सर का वीडियो लेक्चर देखते हुए एमपी की ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ मैं। आप लोगों ने पूछा था कि मैं बता दिया करूँ कि एमपी की ज्योग्राफी मैं रिवाइज कर रही हूँ जल्दी जल्दी। वैसे तो बनता है बट एक बार देख लेना चाहिए ना, क्योंकि ऐसे ही आंसर नहीं लिख सकते। ये पता नहीं मैं क्या सोच रही हूँ, अचानक से कुछ याद आ गया मुझे और मैं बैठ के सोच रही हूँ। अब ये मक्खी आ गई, अचानक पता नहीं कहाँ से मक्खी आ गई और वो भगने का नाम नहीं ले रही, इधर उधर बार बार बैठती है। इसमें ईट हेल्दी लिखा है और इसमें सेसमे सीड्स मतलब तिल लगे हुए हैं। ये रेवड़ी है और इसमें हेल्दी खाना है ना, तो ये भी हेल्दी ऑप्शन है। इसलिए अब मैं मक्खी को ढूंढ रही हूँ मारने के लिए, क्योंकि उसने मुझे इरिटेट कर दिया था। जैसे ही मैं पढ़ने को करती थी, कभी हाथ में बैठती थी, कभी कहीं गुन ऐसे आवाज़ करती थी बैठ के।
आपको क्या लग रहा है, वो मक्खी पकड़ में आ गई, नहीं पकड़ में आ गई? जैसे वो मतलब पकड़ में आएगी और मैं हिट से उसको मार दूंगी, वैसे मैं आपको जल्दी से बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि उस मक्खी का हुआ क्या। अभी वो पकड़ में नहीं आई है, उड़ जाती है इधर उधर। अब ये साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में आयुष और यूनानी चिकित्सा पद्धति ये सब कुछ। और सुनो, वीडियो को पूरा देखा करो आप लोग। मैं अब अलग से, मैं जैसे अभी तक मैं बनाती थी, किसी भी बुक का रिव्यू बनाती थी, स्ट्रैटेजी वाला वीडियो बना लेके आती थी, कुछ भी बताती थी ना, तो अब देखो अब पूरे दिन का ब्लॉग रहता है, तो अब इतना टाइम नहीं रहता कि मैं अलग से उसको भी बनाऊँ और फिर उसको एडिट करूँ, इतना सब कुछ करूँ। तो अब जो कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे देनी है या फिर बुक से रिलेटेड रिव्यूज कुछ भी मुझे बताना है, किसी भी बुक के बारे में, नोट्स के बारे में, आपके क्वेश्चन का, आपके कमेंट्स का मुझे आंसर देना है, सब मैं इसी स्टडी ब्लॉग में ही दूंगी, 75 हार्ड चैलेंज में पढ़ते वक्त बीच बीच में, ठीक है? तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेटेड हर वीडियो में रहेगी, तो आप प्लीज़ 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 पूरा देखा करो वीडियो। आप लोग बस थोड़ा सा एक्सरसाइज देख के भाग जाते हो, उसके बाद कोई भी काम की, उसके बाद ही सारी काम की चीजें रहती है, वो आप नहीं देखते हो। कि मैं एथिक्स पढ़ रही हूँ, सत्यनिष्ठा, सहानुभूति, समानुभूति, ठीक है, अनुपालन, कंप्लायंस, ये सब कुछ, सहिष्णुता, टॉलरेंस, और सुनो चैलेंज में पानी पीना भी है। आप लोग भी अगर चैलेंज कर रहे हो तो साथ में पानी भी पिया करो, ठीक है, 3 लीटर। मैंने थोड़ा कम रखा है, लोग 4 या 5 लीटर रखते हैं, बट उतना प्रैक्टिकल नहीं है ना, तो हम प्रैक्टिकल चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है, जितना कोई भी कर सके आसानी से उतना। मैं देखती हूँ कि कोई कोई तो 1 गिलास पानी मुश्किल से पूरे दिन में पीता है। मोटिवेशनल बुक की बारी आ गई, पढ़ती हूँ द सीक्रेट, देखती हूँ इसमें क्या सीक्रेट है आज के लेसन में, और उसके बारे में फिर आपको बताती हूँ कि इस बुक में क्या लिखा है, उसका क्या मतलब है और मैंने क्या सीखा। सीक्रेट इस बुक में लिखा है कि आप अपने दिन को जितना बेहतर बनाना चाहते हैं, जितना शानदार बनाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग उतने ही शानदार तरीके से आप अपने दिन को प्लान कर सकते हैं और उसे उतना ही अच्छा बना सकते हैं। आप अपनी पूरी लाइफ भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है, बट जैसे आपने अपना दिन प्लान किया है, ठीक है, अगर उसके अपोजिट चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, आपने प्लान किया था कि मेरा दिन इतना अच्छा जाएगा, है ना, उसका जस्ट अपोजिट हो गया, उतना ही बुरा दिन चला गया, ठीक है, तो फिर आपको लगेगा कि मैं प्लान क्यों करूं। बट इसमें लिखा है कि अगर आपने अपने दिन को बेहतरीन तरीके से प्लान किया है, ठीक है,
अगर उसका अपोजिट हो रहा है, अगर उतना अच्छा नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने प्लान को बहुत हड़बड़ी में बनाया है, जल्दबाजी में बनाया है, और उस टाइम आपका जो माइंड सेट था वो पॉजिटिव नहीं था, ठीक है। तो ये दोनों ज़रूरी है, जब भी आप अपने दिन को प्लान करें बेहतर बनाने के लिए, आपका माइंड सेट एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा इस बुक में लिखा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बुक बोल रही है। चलो मिलते हैं कल, बाय।